पास 300 शेयर्स ईच ऑफ HPCL, BPCL एंड IOCL, वो भी हाफ द करंट रेट। अरे वाह। हाँ तो मेरा ये है कि शुड आई कीप ऑल ये तीनों पोर्टफोलियो में रखूं या किसी एक को लिक्विडेट कर दूं? एक को लिक्विडेट कर लूं मतलब इज देयर अ रिक्वायरमेंट पैसे की, इसीलिए आप पूछ रहे हो? नहीं, एक को लिक्विडेट करना मतलब अगर मूड खराब है तो तीनों लिक्विडेट करके मुनाफा बांध दें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, तीनों एक ही सेक्टर्स का, इसीलिए मैं सोची कि चलो एक को निकालू, पैसे की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, बट और कहीं और चैनलाइज करूं उस पैसे को। यस। हाँ, ओवर एक्सपोजर हो जाता है। सही बात है, तीनों OMCs ले रखी है, तीनों में बढ़िया मुनाफा हो रहा है। क्या आज तक क्या करा जाए? और तीनों की खरीद भाव मोटा मोटी जो इस समय भाव चल रहे हैं आधे पे खरीदा हुआ है, तो अपन डबल करके पैसे बैठे हुए हैं। तीनों में कंटिन्यू करना चाहिए लॉजिकली, या किसी एक दो में मुनाफा बांध के किसी और सेक्टर में चैनलाइज करने का समय आ गया है? आपका व्यू इन OMCs को लेकर क्या बनता है और चंद्रिका मैम के लिए क्या व्यू होगा? देखिए, तीनों के चार्ट मोर और लेस सेम पैटर्न दिखा रहे हैं, तो मैम हम जो चार्ट्स देखते हैं वो तीनों एक ही चीज दिखा रहे हैं कि एक ही दायरे में घूमते हुए तीनों नजर आएंगे। अगर HPCL के दायरे की, BPCL के दायरे की बात करें तो 260 से 350 है। इसी तरह अगर HPCL के दायरे की बात करें तो वो भी एक कहा जा सकता है 300 से लेके 400 के बीच में है। तो एक दायरे में ही तीनों घूमते हुए नजर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई ऐसा है कि जो अलग दिख रहा है और उसमें मैं आपको बोलूं कि इसमें मुनाफा वसूल करिए बाकी दो को रखिए। आप मैम एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिए, देखिए तीनों में आपके अच्छा यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पार्शियली थोड़ा थोड़ा तीनों में से एग्जिट करिए, सिर्फ पार्शियली, पूरा मत करिए, थोड़ा मुनाफा बांधिए, क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स की पोजीशन है ना, ये थोड़ा सा पेशेंस भी टेस्ट करेंगे अच्छे लेवल्स दिखाने में, अभी दायरे में घूमते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा तीनों में बांध दीजिए, और बाकी अभी के टाइम पे जो सेक्टर अच्छा लगता है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंफ्रा के अलावा एनर्जी और कंजम्पशन सेक्टर हमें बहुत पसंद आ रहा है, तो वहां पे आप पोजिशन बनाइए। ज्योति लैब अच्छा लगता है, ज्योति लैब चाहे तो मैम आप लोअर लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं।